Hello everyone. In the previous lecture, I have discussed Cartesian system. Here we'll discuss plotting a point in the plane. Okay. Suppose coordinates of a point be 3, 5. Now to plot this point in the plane, first we'll draw coordinate axes. Draw okay. And choose our unit such that one centimeter represents one unit on both the axis. Okay. So suppose on the x-axis, origin say 8 centimeter ke distance pe one mark karenge. फिर दो सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे टू फिर ऐसे ही तीन सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे थ्री मार्क करेंगे सिमिलरली ऑन द नेगेटिव वाई एक्सिस तो नेगेटिव वाई एक्सिस पे वन सेंटीमीटर दूर माइनस वन मार्क करेंगे फिर दो सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे माइनस टू फिर थ्री सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे माइनस थ्री ओके एंड सिमिलरली ऑन द वाई एक्सिस नाउ ये जो पॉइंट है थ्री कॉमा फाइव इसका एफ सीसा थ्री है दैट मीन्स डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस इस थ्री यूनिट्स ओके वाई एक्सिस से इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा थ्री हो जाएगा और इसका ऑर्डिनेट फाइव है तो इसका जो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा फाइव यूनिट्स पॉजिटिव डायरेक्शन में बिकॉज एफ सी सा एंड ऑर्डिनेट बोथ आर पॉजिटिव अच्छा तो सबसे पहले स्टार्टिंग फ्रॉम ऑरिजिन ऑरिजिन से स्टार्ट करके वी काउंट थ्री यूनिट्स ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे तीन यूनिट्स काउंट करके और इस पॉइंट को ए मार्क कर देंगे ओके okay? तो दैट मीन्स इस पॉइंट का वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितना हो जाएगा थ्री यूनिट्स अब हमें क्या चाहिए एक्स एक्सिस से इसका डिस्टेंस चाहिए फाइव यूनिट्स तो हम ए पॉइंट से स्टार्ट करेंगे और एक्स एक्सिस से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर कर लेंगे कितना फाइव यूनिट्स ओके तो हमने ए पॉइंट से स्टार्ट किया और इसका डिस्टेंस मेजर कर लिया फाइव यूनिट्स ओके अलॉन्ग पॉजिटिव वाई एक्सिस ठीक है तो इस जो ये जो पॉइंट है इसका एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया फाइव यूनिट्स और वाई एक्सिस से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया थ्री यूनिट्स ओके सो ये पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करेगा थ्री कॉमा फाइव ओके और ये जो पॉइंट है P, दिस लाइज इन फर्स्ट क्वारिनेंट बिकॉज बोध द x कॉर्डिनेट एंड y कॉर्डिनेट आर पॉजिटिव ओके सिमिलरली अगर कोई पॉइंट है फाइव कॉमा माइनस फोर ओके तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले इसका जो डिस्टेंस होगा y एक्सिस से दैट विल बी फाइव यूनिट्स क्योंकि इसका एफ सी सा फाइव है तो सबसे पहले हमने ऑरिजिन से स्टार्ट किया ओके एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ फाइव यूनिट्स हमने बी पॉइंट मार्क किया ओके okay, तो नाउ अब इसका जो x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो होगा फोर यूनिट्स बट अलोंग नेगेटिव y एक्सिस क्योंकि इसका जो y कोऑर्डिनेट है वो माइनस फोर है तो अब आपको जो डिस्टेंस मेजर करना है वो नेगेटिव y एक्सिस के अलोंग करना होगा तो B पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर किया फोर यूनिट्स ओके सो This point Q will represent 5 comma minus 4 because its Y axis is perpendicular distance 5 units or X axis is perpendicular distance 4 units. And this point Q this lies in 4th quadrant because epsis are positive and ordinate is negative. Okay, So this point will lie in 4th quadrant. तो सबसे पहले पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट यूज करके हमने उसका डिस्टेंस मार्क uh, कर लिया एक्स एक्सिस पे ओके okay? फिर एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट आया उससे हमने ऑर्डिनेट को यूज करके उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर किया फ्रॉम एक्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस ओके तो इस तरह से हम पॉइंट को प्लॉट कर सकते हैं लेट सी एन एग्जाम्पल इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाइ वेरीफाई और आंसर बाय लोकेटिंग दैम ऑन द दर्टिशन प्लेन ओके तो so, सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करेंगे टेकिंग वन सेंटीमीटर इक्वल टू वन यूनिट ऑन बोथ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ओके तो जैसे एक्स एक्सिस पे ऑरिजिन से वन सेंटीमीटर डिस्टेंस पे वन पॉइंट मार्क करेंगे फिर टू सेंटीमीटर डिस्टेंस पे टू पॉइंट एंड सो ऑन अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस ऐसी नेगेटिव एक्स एक्सिस पे वन सेंटीमीटर डिस्टेंस पे माइनस वन फिर टू सेंटीमीटर डिस्टेंस पे माइनस टू एंड सो ऑन सिमिलरली ऑन द वाई एक्सिस ओके तो सबसे पहले माइनस टू कॉमा फोर ओके माइनस टू को फोर को जब प्लॉट करेंगे कोऑर्डिनेट प्लेन में तो इसका जो y एक्सिस से डिस्टेंस है वो टू यूनिट्स है अलोंग नेगेटिव x-अक्ष ठीक है तो हम क्या करेंगे सबसे पहले x एक्सिस पे माइनस टू पॉइंट को मार्क करेंगे ओके फिर इस माइनस टू पॉइंट से हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर करेंगे अलोंग y एक्सिस कितना फोर यूनिट्स का ओके तो ये जो पॉइंट है ये सेकेंड क्वाड्रेंट में लाए करेगा ओके उसका रीजन ये है क्योंकि इसका जो एपसीसा है वो तो नेगेटिव है और जो ऑर्डिनेट है वो पॉजिटिव है ओके सो दिस पॉइंट विल लाइन सेकंड सेकेंड नाउ नेक्स्ट इज थ्री कॉमा माइनस वन अब इस पॉइंट का जो वाई एक्सिस से डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो थ्री यूनिट्स है तो सबसे पहले एक्स एक्सिस पे हमने थ्री मार्क किया फिर इस थ्री पॉइंट से हमने क्या किया वाई एक्सिस के अलोंग इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया कितना वन यूनिट तो हमने इस थ्री से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर किया वन यूनिट कहाँ पे नेगेटिव वाई एक्सिस पे क्योंकि इसका जो वाई कोऑर्डिनेट है वो नेगेटिव है ओके okay? सो so, ये पॉइंट जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाए करेगा क्योंकि इसका जो एक्स कॉर्डिनेट है वो पॉजिटिव है एंड वाई कोऑर्डिनेट इज नेगेटिव सिमिलरली माइनस वन कॉमा जीरो ओके अब इसका वाई कोआर्डिनेट जीरो है तो ये पॉइंट जो है वो एक्स एक्सिस पे लाए करेगा ओके okay? हमने डिस्कस किया था एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट होगा तो उसके कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा जीरो टाइप के होंगे और अगर वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट होगा तो उसके कॉर्डिनेट जीरो होंगे ओके okay? तो आपको सिर्फ इसका एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस मेजर करना है कितना माइनस वन यूनिट ओके दैट मीन्स ऑन नेगेटिव एक्स एक्सिस नाउ नेक्स्ट इज वन कॉमा टू ओके वन कॉमा टू हेयर बोथ एक्स कॉर्डिनेट एंड वाई कॉर्डिनेट आर पॉजिटिव सो दिस पॉइंट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ओके तो सिंपली आपको सबसे पहले

फाइव यूनिट्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर करेंगे अलोंग नेगेटिव ये एक्सिस ओके परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स यूनिट्स होगा और एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाई यूनिट्स होगा एंड इन द पॉइंट वाई कॉमा एक्स ये जो डिस्टेंसिस है, है ये इंटरचेंज हो जाएंगे

Now, let's look at another example. Plot the following points given in the table on the plane.

सेकेंड क्वाड्रेंट ओके क्योंकि इसका एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव है और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है तो सबसे पहले माइनस टू मार्क किया एक्स एक्सिस पे ओके okay? उसके बाद इस माइनस टू से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर किया इक्वल टू एट यूनिट्स ओके नाउ सिमिलरली माइनस वन कॉमा सेवन तो माइनस वन जो पॉइंट है ये भी सेकेंड क्वाड्रेंट में ही लाई करेगा ओके okay? तो हमने सबसे पहले x एक्सिस माइनस वन पॉइंट मार्क किया फिर इस माइनस वन पॉइंट से हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर किया इक्वल टू सेवन यूनिट्स क्योंकि इसका y कोऑर्डिनेट क्या है सेवन ओके okay. फिर जीरो माइनस वन पॉइंट टू फाइव अब इसका एक्स कॉर्डिनेट जीरो किस टाइप का जीरो का पॉइंट है तो ये कहां पे लाइ करेगा दिस पॉइंट विल लाई ऑन वाई एक्सिस ओके एंड दैट टू और नेगेटिव वाई एक्सिस क्योंकि इसका वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव है तो हम सिंपली नेगेटिव वाई एक्सिस पे 1.25 डिस्टेंस मेजर कर लेंगे ओके नाउ 1.3 अब इसमें एक्स कोऑर्डिनेट भी वाई कोऑर्डिनेट भी दोनों पॉजिटिव है तो ये पॉइंट जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाए करेगा तो सबसे पहले एक्स एक्सिस पे वन पॉइंट मार्क करेंगे फिर इस वन पॉइंट से थ्री यूनिट्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर करेंगे अलॉन्ग वाई एक्सिस ओके ना थ्री कॉमा माइनस वन ये पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में लाए करेगा क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट तो पॉजिटिव है लेकिन वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव है तो सबसे पहले एक्स एक्सिस पे थ्री पॉइंट मार्क किया ठीक है उसके बाद थ्री इस थ्री पॉइंट से वन यूनिट्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर कर लिया अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस ओके डन नाउ डिस्टेंस फॉर्मूला सपोज यू आर गिवन टू पॉइंट्स पी एंड क्यू इन द कोऑर्डिनेट प्लेन देन हाउ कैन यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स ओके सपोज पी के कॉर्डिनेट्स हैं एक्स वन कॉमा वाई वन एंड क्यू के कॉर्डिनेट्स हैं एक्स टू कॉमा वाई टू ओके सो जो डिस्टेंस होगा पी क्यू दिस विल बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्केयर प्लस वाई टू माइनस वाई वन होल स्केयर ओके नाउ सी वी ओनली टेक पॉजिटिव स्क्वायर रूट इसका हम हमेशा क्या करेंगे पॉजिटिव स्क्वायर रूट कंसीडर करेंगे बिकॉज डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता ओके okay. अब ये जो एक्स टू माइनस एक्स वन लिखा है इसको मैं एक्स वन माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूं क्योंकि होल स्क्वायर करने के बाद वैल्यू सेम आएगी चाहे आप एक्स टू माइनस एक्स वन लिखो या एक्स वन माइनस एक्स टू लिखो ओके नाउ सी डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट पी अब ये डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके अगर किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस कैलकुलेट करना हो आपको ऑरिजिन से ओके डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई फ्रॉम ऑरिजिन ओके तो अगर ओरिजिन से आपको एक्स कॉमा वाई पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड करना तो है ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स तो फिक्स है जीरो कॉमा जीरो ओके तो वो डिस्टेंस क्या होगा इज गिवन बाय ओ पी ओ पी से रिप्रेजेंट करेंगे इस डिस्टेंस को एंड ओ पी विल बी इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस जीरो होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो होल स्क्वेयर ओके तो सपोज अगर मैंने x2 और y2 की वैल्यू x कॉमा वाई रखी तो x1 y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो जीरो हो जाएगी क्योंकि ओरिजिन के कॉर्डिनेट जीरो कॉमा जीरो होते हैं ओके सो ये जो डिस्टेंस है OP दिस विल बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्वेयर सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इन द कोऑर्डिनेट प्लेन ओके एंड दिस इज द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम ऑरिजिन

And 3 comma 5. Okay. So let point P x comma Y be equidistant. Okay. Equidistant means at equal distance. Be equidistant from point A seven, one and point B three comma five. Okay. So a point P a this is point A. एंड दिस इज पॉइंट बी तो आपको गिवन है जो पी पॉइंट है इसका डिस्टेंस ए पॉइंट से और बी पॉइंट से इक्वल है ओके दैट मीन्स मैं यहाँ से कह सकता हूँ पी ए इक्वल्स टू पी बी ओके तो पी ए डिस्टेंस इक्वल्स टू पी बी डिस्टेंस नाउ यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला अब हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके इन दोनों का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं ओके okay? तो सबसे पहले पी ए पी ए का जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस सेवन होल स्क्र ओके प्लस वाई माइनस वन होल स्क्र तो हमने फॉर्मूला यूज कर दिया एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्र प्लस वाई टू माइनस वाई वन होल इक्वल्स टू पीबी डिस्टेंस होगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस थ्री होल स्क्र प्लस वाई माइनस फाइव होल स्क्र यूजिंग द सेम फॉर्मूला नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स और ये जो स्क्वायर साइन इनको ओपन कर देते हैं तो एक्स माइनस सेवन का होल स्क्र होगा एक्स स्क् प्लस फोर्टी नाइन माइनस फोर्टीन एक्स सिमिलरली वाई माइनस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा टू वाई इन द राइट हैंड साइड एक्स माइनस थ्री का इसको ओपन करेंगे प्लस वाई माइनस फाइव होल स्क्वायर इसको भी ओपन कर देते हैं नौ माइनस टेन वाई एक्स स्केयर से एक्स स्केयर कैंसिल आउट हो जाएगा वाई स्केयर से वाई स्केयर कैंसिल आउट हो जाएगा ओके फोर्टी नाइन प्लस वन दिस इज फिफ्टी ओके माइनस फोर्टीन एक्स माइनस टू वाई ओके अब ये माइनस सिक्स एक्स को यहाँ पे लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का सिक्स एक्स और ये टेन वाई को यहाँ लाएंगे तो प्लस टेन वाई एंड नाइन प्लस ट्वेंटी फोर तो ये लेफ्ट हो जाएगी फिफ्टी और थर्टी फोर को इधर शिफ्ट कर देते हैं माइनस थर्टी फोर ओके माइनस फोर्टीन एक्स प्लस सिक्स एक्स कितना हो जाएगा माइनस एट एक्स और टेन वाई माइनस टू वाई कितना हो जाएगा प्लस का एट वाई राइट हैंड साइड में हो जाएगा जीरो ओके सो दिस इंप्लाइज फिफ्टीन माइनस थर्टी फोर कितना होगा सिक्सटीन और इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा एट एक्स माइनस एट वाई क्योंकि एट कॉमन निकाल दो तो कॉमन निकालने पर एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू टू ओके सो आंसर विल बी एक्स माइनस रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सपोज अ ट्राइंगल ए बी सी इज गिवन इन अ कार्टेशियन प्लेन ओके एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स वर्टिसेस आर x1 comma y1 okay x2 comma y2 then x3 comma y3 okay now area of this triangle a b c will be equals to okay now area will be equal to half of mod okay here I have used modulus sign because area will always be positive area cannot be negative okay x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2 okay this is the formula for area of triangle कार्टिशन प्लेन ओके तो मैंने ये फॉर्मूला कैसे लिखा सबसे पहले x1, x2, x3 इन तीनों को ऑर्डर में लिखेंगे फिर जब x1 लिखा उसके साथ साइक्लिक ऑर्डर में चलते ठीक है तो उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में क्या आएगा y2- टू माइनस वाई थ्री ठीक है वन टू थ्री ऐसे फिर जब x2 लिखा तो बाकी दोनों क्या बचे y3 थ्री माइनस वाई फिर जब एक्स थ्री लिखा तो क्या वाई वन माइनस वाई टू ओके तो जैसे यहाँ पे एक्स वन लिखा तो इस कोऑर्डिनेट को छोड़ के फिर वाई टू माइनस वाई थ्री फिर जब एक्स टू लिखा तो वाई थ्री माइनस वाई वन एंड देन एक्स थ्री वाई वन माइनस वाई टू ऐसे साइक्लिक ऑर्डर में हम इसको याद कर सकते हैं कि कैसे एरिया ऑफ ट्रैंगल को आप रिप्रेजेंट करोगे ओके सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ ट्रैगल एक्स वन मल्टीप्लाई वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस एक्स टू मल्टीप्लाई वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस एक्स थ्री मल्टीप्लाई वाई वन माइनस वाई टू ओके

okay so area of triangle formed will be zero since given points are collinear so area of triangle a b c is equal to zero now applying the formula for area of triangle here the vertex a is 2 comma 3 so these are the values of x1 and y1 now but vertex b is फोर कॉमा के सो दीज आर द वैल्यूज ऑफ एक्स टू एंड वाई टू नव वर्ट एक्स सी इज सिक्स कॉमा माइनस थ्री सो दीज आर द वैल्यूज ऑफ एक्स थ्री एंड वाई थ्री ओके ना द फॉर्मूला विल बी हाफ ऑफ एक्स वन दैट इज टू मल्टीप्लाय वाई टू माइनस वाई थ्री दैट इज के और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस फिर प्लस एक्स टू एक्स टू की वैल्यू फोर फिर उसके बाद वाई थ्री माइनस वाई वन सो माइनस थ्री माइनस थ्री प्लस एक्स थ्री एक्स थ्री की वैल्यू सिक्स और वाई वन माइनस वाई टू दैट इज थ्री माइनस के इक्वल्स टू जीरो तो इसको सॉल्व करेंगे हाफ ऑफ ये क्या हो जाएगा है? यहाँ पे टू के ओके प्लस सिक्स के माइनस ट्वेंटी फोर प्लस एटीन माइनस सिक्स के इक्वल्स टू ज़ीरो दैट इज हाफ ऑफ तो ये हो जाएगा टू के माइनस सिक्स के माइनस का फोर के और ये हो जाएगा एटीन प्लस सिक्स ट्वेंटी फोर माइनस ट्वेंटी फोर ये तो जीरो हो जाएगा ट्वेंटी फोर माइनस ट्वेंटी फोर नाउ दिस इम्प्लाइज हाफ ऑफ मॉड माइनस फोर के इक्वल्स टू जीरो अब ये टू जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में जाएगा जीरो के साथ तो ये भी क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा ओके okay? अब जब राइट हैंड साइड जीरो के इक्वल है तो हम मॉड को एज इट इज ओपन कर सकते हैं तो माइनस फोर के इक्वल्स टू जीरो तो यहाँ से आ जाएगा के इक्वल्स टू जीरो ओके सो द आंसर विल बी के इक्वल्स टू जीरो